नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे या पे नहीं कर सकते। बहुत सारे सेंट्रल बैंक और एनबीएफसी कंपनियां हैं, अगर आप अपने लोन की ईएमआई अभी नहीं भर पा रहे हैं तो आपको डेली धमकी और कानूनी प्रक्रिया या लीगल एक्शन की धमकी देते हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत बड़ा अपडेट उन लोगों के लिए जारी कर दिया है जो इस पेंडेमिक के दौरान कोई भी ईएमआई पे नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में दोस्तों एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोन ईएमआई से रिलेटेड अपने क्या नए सर्कुलर जारी किए हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए दोस्तों पूरा अपडेट आपको पढ़कर सुना देते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोन ईएमआई से रिलेटेड जो अपने नए सर्कुलर हैं क्या जारी किए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही चेक बाउंस होने को अपराध की श्रेणी में और ईएमआई बाउंस होने की श्रेणी से हटा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा। हालांकि यह छूट केवल अस्थायी तौर पर मिलेगी, यानी जब तक इस पैंडेमिक का असर है कोरोना वायरस का, यह छूट तब तक मिलेगी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कई लोगों का व्यापार और रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। सरकार कोरोना संकट में लोगों को राहत देने के लिए सरकार चेक या ईएमआई बाउंस जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके मायने यह हुए कि अब चेक या किस्त बाउंस होने पर जेल की सजा नहीं होगी, ना ही कोई भी लीगल एक्शन होगा। सरकार ने चेक बाउंस, कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं हो पाने सहित करीब 19 कानूनों के तहत होने वाले हल्के उल्लंघन यानी इकोनॉमिक ऑफेंस हैं, उनको लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने में इसके बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कारोबार से जुड़े कानून में बदलाव किया जाएगा। सरकार इससे पहले कंपनी कानून के तहत भी इस तरह के कदम उठा चुके हैं। कंपनी कानून के तहत भी कई उल्लंघनों को क्राइम से हटा दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को अनचाही दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य के तहत उठाया जा रहा है। यानी दोस्तों इधर फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, यदि आपकी कोई ईएमआई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अगर बाउंस होती है या फिर आपका कोई चेक है, अगर आपने बैंक में चेक लगाया है कि बैंक जितने भी आपने लोन लिया है वो उससे रिकवर कर सके, अगर वो भी बाउंस हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्टली दोस्तों आदेश आ चुका है, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी या फिर आपने किसी भी अगर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो वो आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस या फिर लीगल प्रोसीडिंग नहीं ले सकती। ये डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने जो बयान में बोल दिया है। तो अभी बहुत सारे लोग डर रहे थे कि मैंने उससे लोन लिया है वो क्या करेगा, उससे लोन लिया वो धमकी दे रहा है, वो बोल रहा है कि आपके खिलाफ पुलिस एक्शन होगा, वो लीगली एक्शन की धमकी दे रहा है। तो दोस्तों प्लीज इधर से आप श्योर हो जाइए, अगर आप लोन ईएमआई की जो किस्त है अगर आप भर नहीं पा रहे हैं या आपकी बाउंस हो जाती है तो आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इससे रिलेटेड जो लेटर है, सर्कुलेट है, जारी हो चुका है। लेकिन ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती है तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्जेज लग सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई सर्कुलर नहीं आया है। लेकिन जितने भी लीगली एक्शन है, लीगल प्रोसीडिंग है या फिर जो भी क्रिमिनल केसेस थे वो कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक नहीं कर सकता। अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है या फिर आपका चेक बाउंस होता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक अगर आपको टॉर्चर करता है कि हम लीगल एक्शन लेंगे तो डायरेक्टली आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपका कोई दोस्तों कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।